हे गाइस, कैसे आप लोग। मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं फैंटेसी एक्सप्रेस का यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तेलुगु टाइटंस और गुजरात जायंट्स के बीच में होने वाले वीवो प्रो कबड्डी 2023 के 59th मैच के बारे में। तो गाइस, ये दिन का दूसरा मैच रहने वाला है जो कि रात को 9 बजे से खेला जाएगा डोम बाई NSCI मुंबई में। एक तरफ है तेलुगु टाइटंस और एक तरफ है गुजरात जायंट्स। अगर अभी तक के टूर्नामेंट की हम बात करें तो आपको पता है कबड्डी के मैच में अभी मतलब जो प्रो कबड्डी की लीग चल रही है वहां पे 12 टीमें हैं। गैस करिए तेलुगु टाइटंस की रैंक क्या होगी। 12th रैंक, आखिरी रैंक पे चल रहे हैं। सबसे बुरी तरीके से हारने वाली टीम होगी शायद अभी तक के वीवो प्रो कबड्डी में। आई थिंक मार्जिन बहुत ही ज्यादा है हारने का, हर मैच बहुत बड़े मार्जिन से हार रहे हैं। अब तक 9 मैचेस में से ये कितने मैच जीते, सिर्फ एक मैच 9 मैचेस में से सिर्फ एक मैच जीतने वाली टीम है। और जिसमें आप देखिए मतलब इंडिया का सबसे बढ़िया रेडर है पवन शेरावत। हाँ, बाकी टीम पूरी कमजोर बैठी पड़ी है। सो ये होता है कि विराट कोहली जैसे RCB में होते हैं तो विराट अकेले क्या कर लेंगे, तो पवन भी अकेले क्या कर लेंगे। तो ऐसी टीम है, 9 में से 1 मैच जीती है, पवन को छोड़ के कोई भी परफॉर्म नहीं करता। एक आध मैच में पवन जब नहीं चलते तब तो इनकी हालत बहुत पतली हो जाती है। दूसरी तरफ है गुजरात जायंट्स की टीम। इन्होंने अब तक 10 मैच में से 6 जीते हैं, 10 खेले 6 जीते हैं। परफॉर्मेंस इनसे तो काफी बेटर है। ये तीसरे नंबर पे हैं पॉइंट्स टेबल में, 12 टीमों में 3rd रैंक है इनकी, 12 टीमों में 12वीं रैंक है इनकी, 12th रैंक है। तो आप समझ सकते हैं कि एक टीम 12 टीमों में 12th रैंक रखती है और एक टीम 12 टीमों में 3rd रैंक रख रही है। तो गुजरात जायंट्स मच बेटर देन है तेलुगु टाइटन से। हाँ, एक आधा मैच वो कभी कभार जीत जाते हैं तो फिर वो अनएक्सपेक्टेड रहता है। ठीक है गाइज, इससे पहले आगे हम डिस्कशन करें, अगर आपने हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं करा तो सबसे पहले तो वो काम कर लो ताकि आपको सारी अपडेट्स टाइमली मिल पाए। ये हमारा टेलीग्राम का चैनल है जिसका नाम है कबड्डी एक्सप्रेस। कैसे ज्वाइन करेंगे, सबसे पहले टेलीग्राम का ऐप मोबाइल में डाउनलोड कर लो, उसके बाद चैनल सेक्शन में जाइए, मतलब कहां टेलीग्राम के चैनल सेक्शन में @कबड्डी एक्सप्रेस को सर्च करिए। सेम टू सेम यही लिखना है @कबड्डी एक्सप्रेस, कोई बीच में स्पेस नहीं है और सेम टू सेम यही स्पेल आपकी होनी चाहिए तो आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। एक और आसान तरीका है, कमेंट सेक्शन में चले जाइए। सबसे ऊपर मैंने एक कमेंट किया है जिसको मैंने पिन भी कर दिया, सबसे ऊपर ही आपको देखेगा कमेंट सेक्शन में, उसमें एक लिंक दिया है इसी टेलीग्राम चैनल का, क्लिक करते ही ज्वाइन कर पाएंगे। उसके जस्ट नीचे एक और लिंक है Fanline 11 का, जहां पे आपके लिए प्रैक्टिस कॉन्टेस्ट लाइव रखे गए हैं 1 महीने के लिए ताकि आप ऐप को चेकआउट कर सके, और 1 महीने के बाद यहाँ पे पेड कॉन्टेस्ट आएंगे आपके फीडबैक पे। तो आज ही डाउनलोड करिए Fanline 11 एप्लीकेशन को, जो कि यूजर को दे रही है एक मौका ऐप को एक्सप्लोर करने का। नीचे टेलीग्राम लिंक के जस्ट नीचे उसका लिंक है और रेफर कोड FX लगा के जो जो आज साइन अप करने वाले हैं, मतलब जो भी लोग FX कोड लगा के इस ऐप पे जाएंगे, जब भी पेड कॉन्टेस्ट आएंगे आपके लिए फ्री गिवअवेज, एक्स्ट्रा डिस्काउंट और भी बहुत सारी चीजें होने वाली है। इसलिए रेफर कोड FX लगाना मत भूलना ताकि आप FX फैमिली का हिस्सा बन जाए Fanline 11 एप्लीकेशन पे। ठीक है, इसके बाद अब हम बात करते हैं सीधी मैच की। मैच की बात करेंगे तो आपको पता है गुजरात काफी अच्छी टीम है और तेलुगु काफी बुरी टीम है। इस साल के परफॉर्मेंस की बात करें अगर तो फिर भी देख लेते हैं तेलुगु की रेटिंग कहां से कैसी होती है, गुजरात कैसा कुछ उसके सामने कर सकती है। तो तेलुगु टाइटंस की लेफ्ट से रेडिंग बहुत ही कम हो रही है, 10 से 15% मैक्सिमम 15% मान लो कि लेफ्ट से रेडिंग तेलुगु की 15% होगी, वो भी प्रफुल्ल दवारे थोड़ी बहुत करते हैं और चले तो थोड़ा ज्यादा कर सकते हैं, नहीं चले तो हो सकता 15% से भी कम करके जाए। तो 15% अप्रोक्सीमेट जो है रेडिंग तेलुगु टाइटन्स की वो लेफ्ट से होगी। राइट से कितनी रेडिंग होगी, मेजोरिटी ऑफ द रेडिंग पवन शेरावत है, रजनीश दलाल है, रॉबिन है, संजीव एस है, और जिसमें पवन शेरावत टीम की लगभग 50% से ज्यादा रेड अकेले ही कर जाते हैं। 85% ऑफ द रेड जो आप है यहां से देखेंगे राइट साइड से आप देखेंगे 85% ऑफ द रेड तेलुगु टाइटंस की। ठीक है, यानी ये वाला सेक्शन रहेगा ओवरक्राउडेड, इस वाले सेक्शन में रहेगी सबसे ज्यादा हलचल, जिसमें आपको यहाँ पे पवन शेरावत देखने को मिलेंगे, इसके अलावा आपको रजनीश दलाल देखने को मिलेंगे, रॉबिन भी यहीं पे आपको देखने को मिलेंगे और संजीवी एस भी आपको यहीं पे देखने को मिलेंगे। तो इतने सारे रेडर्स जो हैं वो इस सेक्शन में रेड करने वाले हैं, मतलब ये वाला सेक्शन रहेगा सबसे ज्यादा क्राउडेड। तो फर्स्ट चेन ऑफ डिफेंस में आपको कौन कौन से प्लेयर देखेंगे, फजल अतराचली, मतलब गुजरात की तरफ से फजल अतराचली और प्रतीक दाहिया की आपको फर्स्ट चेन ऑफ डिफेंस देखने को मिलेगी। इसमें सबसे ज्यादा बेनिफिट फजल अतराचली को है क्योंकि उन्हीं की साइड से सबसे ज्यादा रेडिंग हो रही है और वही इन प्लेयर्स पे सबसे ज्यादा बार अटैक भी करने वाले हैं। ठीक है, सबसे बढ़िया डिफेंडर है आपको पता ही, अपनी टीम के पूरा अपना डिफेंस डिपार्टमेंट और इवन रेडर्स को भी गाइडेंस देते हैं, तो ये
आपको पता है सबसे बेस्ट प्लेयर है इस टीम का, ये इस मैच में आपको काफी पॉइंट स्कोर करके देगा। फजल अत्राचली मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर होगा इस मैच का, कप्तानी वाइज कप्तानी बिल्कुल दे सकते हैं। इसके साथ प्रतीक दाहिया आपको देखने को मिलेगा। दाहिया भी कुछ मतलब रेडर तो अभी अच्छी खासी करियर है, कुछ डिफेंस में यानी कुछ टैकल पॉइंट भी आपको समटाइम्स दे जाते हैं, समटाइम्स अटैक करके वो कर लेते हैं इसको, ठीक है। कैशन राकेश संग्रोह आपको फ्री रेडर देखेंगे जो विदाउट चेन आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद एक बालाजी डी और रवि कुमार की चेन आएगी। बालाजी डी और रवि कुमार पे रवि कुमार के पास फिर से एक अच्छा चांस होगा, हालांकि पिछले मैच में भी था, रवि कुमार कुछ खास कर नहीं पाए, बट इस मैच में भी चांस रहने वाला है। तो चांस तो देखो रहेगा, अटेम्प्ट्स लेंगे, 4 से 5 6 अटेम्प्ट्स ले सकते हैं। अब उसमें से कितने सक्सेसफुल रहते हैं उस बेसिस पे आपको पॉइंट अलॉट हो जाएंगे। तो रवि कुमार के पास अच्छा खासा मौका है, राइट से रेडिंग ज्यादा है, वो टीम के राइट कवर है। सो यहां से फजल अत्राचली और यहां से रवि कुमार परफॉर्म करने चाहिए, ठीक है। बट रवि कुमार के फॉर्म की अगर हम बात करें तो बहुत अच्छा नहीं है, वहीं फजल का फॉर्म बहुत अच्छा है। फिर आखिरी चेन ऑफ डिफेंस में आपको रोहित गुलिया देखने को मिलेंगे सोमवीर के साथ, ठीक है। सोमवीर ये गुजरात वाले सोमवीर है जो कि राइट कॉर्नर है टीम के। सो ये यहां से एडवांस टैकल करके इन प्लस को पकड़ेंगे। इस साल सोमवीर का परफॉर्मेंस भी टीम के लिए बहुत अच्छा रहा है। तो मैं किससे एक्सपेक्ट कर रहा हूं सबसे अच्छा परफॉर्मेंस देना, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं एक तो फजल से जिनके पास मौके भी बहुत ज्यादा है, दूसरा मैं कर रहा हूं सोमवीर से एडवांस टैकल करके इन प्लस को पकड़ने का, क्योंकि कवर्स जो है वो गुजरात का कुछ खास नहीं कर रहे और इसी वजह से रैंकिंग नंबर 3 है इनकी, वरना रैंकिंग 1 भी हो सकती थी। सिर्फ और सिर्फ कवर्स इनके वीक है, किसी टीम के कवर्स वीक होते हैं, किसी के कॉर्नर्स वीक होते हैं। एक पुनरी पलटन बस ऐसी टीम है जिसकी मतलब आप कह सकते हैं कि हर एक डिपार्टमेंट अच्छा कर रहा है, ठीक है। सो गाइस यहां पे अभी गुजरात की बात करें तो इस मैच में जो प्लेयर इंपॉर्टेंट है इस रीडिंग को देखते हुए, एक फजल अत्राचली, एक सोमवीर होंगे। रवि की भी इंपॉर्टेंस है बट फॉर्म नहीं है रवि के पास, बस इतनी सी बात है, आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो आप एक बार देख लीजिए ध्यान से, ये रेडर्स है और ये चेन ऑफ डिफेंसेज है, फर्स्ट चेन ऑफ डिफेंस, सेकंड चेन ऑफ डिफेंस और थर्ड चेन ऑफ डिफेंस, और ये सोलो रेडर, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे, अब इसको हम क्लियर करते हैं और अब हम बात करते हैं दूसरी स्लाइड पे दूसरी टीम की। दूसरी टीम की बात करें तो पहले हम गुजरात की रेडिंग देखते हैं, परसेंटेज कितना कहां पे कैसा रहता है रेशो का, ठीक है। तो गुजरात जायंट्स की जो मोस्ट ऑफ द रेडिंग है वो राइट से होती है, लेफ्ट से सिर्फ रोहित गुलिया और विकास जगलन रेडिंग करेंगे, 10 से 15% मान के चलना, ठीक है। तो लेफ्ट से रेडिंग कितनी होगी इस टीम की भी, अप्रोक्सीमेटली 10 to 15%, उससे ज्यादा नहीं होगी। राइट से कितनी रेडिंग होगी, 85 to 90% रेडिंग, 85 to 90% रेडिंग जो है गुजरात जायंट्स की वो राइट साइड से होने वाली है, जिसमें नबी बख्श थोड़ी बहुत रेडिंग करेंगे, सोनू जगलन ठीक ठाक रेडिंग करेंगे, राकेश संग्रोया बहुत अच्छी रेडिंग करेंगे और प्रतीक दाहिया इस टाइम पे टीम की सबसे ज्यादा रेडिंग कर रहे हैं। मतलब इस टाइम पे टीम की सबसे ज्यादा रेडिंग प्रतीक दाहिया, उसके बाद राकेश संग्रोया, उसके बाद सोनू जगलन कर रहे हैं। नबी बख्श को तो थोड़े बहुत टीम इस्तेमाल करती है। मेजोरिटी ऑफ द रेडिंग जो है वो 90% ऑफ द रेडिंग, 85% ऑफ द रेडिंग राइट से हो रही है गुजरात जायंट्स की, यानी इनका भी ये वाला जो सेक्शन है वो ओवरक्राउडेड होगा और इसी वाले सेक्शन में इनकी भी सबसे ज्यादा हलचल होने वाली है, ठीक है। अब सबके नाम लिख दूं मैं, कौन कौन से रेडर्स हैं इनके पास राइट से रेडिंग करने के गुजरात के, मोहम्मद नबी बख्श हो गए, फिर यहां पे राकेश संग्रोया हो गए, फिर सोनू जागलन हो गए, इसके बाद प्रतीक दाहिया हो गए, ठीक है। तो इतने सारे रेडर जो है राइट से रीडिंग करते हैं और इसमें मेनली आपको सबसे ज्यादा रीडिंग करते हैं प्रतीक दाहिया और राकेश संग्रोया देखने को मिलेंगे। और यहां पे कैसे चेन ऑफ डिफेंस वर्क करेगी, फर्स्ट चेन ऑफ डिफेंस में रहेंगे संदीप धुल और संदीप धुल के साथ कौन रहेगा, रॉबिन चौधरी, ठीक है। अब संदीप धुल की अगर हम बात करें तो बहुत बढ़िया डिफेंस प्लेयर है अपनी टीम की, अगर हम देखें इस टीम से एक अच्छा डिफेंस प्लेयर थोड़ा रेप्यूटेड वो संदीप धुल ही है और इसी की साइड से सबसे ज्यादा रेडिंग होने वाली है। तो मुझे लगता है इस मैच में ये तो परफॉर्म करना ही चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसके पास अटेम्प्ट्स भी ज्यादा होंगे और टेक्निकली अगर आप देखें तो स्किलफुल भी है। तो ये प्लेयर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट चेन ऑफ डिफेंस में रहेगा और इन प्लेयर्स पे सीधा अटैक कर सकता है, ठीक है। तो ये प्लेयर और यहां से नितिन, बट नितिन पर ज्यादा क्रेडिबिलिटी नहीं है, पिछले मैच में भी इनको मौका मिला था कुछ खास नहीं कर पाए थे। सो अटेम्प्ट्स तो रहेंगे नितिन के पास बट कैसा खेलेंगे कुछ कह नहीं सकते, नो कमेंट्स, ठीक है। तो ये थोड़े से क्वेश्चन मार्क रहेंगे, ग्रैंड लीग में ट्राई करना हो एक आठ टीम में करना, स्मॉल लीग में मत करना। संदीप दुल को आप जरूर टीम में लीजिए, चाहे स्मॉल लीग हो चाहे ग्रैंड लीग, ये आपके लिए अच्छा कर सकते हैं, इनकी श्योरिटी थोड़ी बहुत मैं ले सकता हूं। सो फर्स्ट चेन ऑफ डिफेंस में संदीप दुल, राहुल रॉबिन चौधरी के साथ होंगे जिसमें संदीप दुल की इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा होगी। उसके बाद आपको एक फ्री रेडर देखेगा जैसे पवन शेरावत हो गए, फिर आपको कवर्स की जोड़ी देखने को मिलेगी जिसमें आपको अजीत पवार मिलेंगे और उनके साथ मिलेंगे नितिन। अजीत पवार फिर भी टीम के लिए अच्छा कर रहे हैं, ऑड कंडीशंस में भी एक दो सक्सेसफुल टैकल तो करके जा ही रहे हैं और जब इनके फेवर में कंडीशन हो जाए अजीत की, जब लेफ्ट से रेडिंग ज्यादा होती तब वो और अच्छा परफॉर्म करते हैं। इस मैच में राइट से रेडिंग ज्यादा है तो लेफ्ट कवर की ज्यादा इंपॉर्टेंस रहेगी नहीं, बट फिर भी वो इन पे कुछ ना कुछ अटैक तो करेंगे, एक दो टैकल पॉइंट दे सकते हैं वो। अजीत पवार फिर भी बेटर है नितिन के मुकाबले, नितिन के पास मौके हैं बट फॉर्म नहीं दिख रही है और इनसे ज्यादा मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा हूं। प्रफुल दवारे और
हामिद नादिर, इनकी आखिरी चेन रहेगी, थर्ड चेन रहेगी, जिसमें हामिद नादिर को इन प्लस पे थोड़े से एडवांस टैकल करने पड़ेंगे तब इनको पकड़ पाएंगे। ओवरऑल जो डिफेंस है तेलुगु का वो काफी बैठा हुआ है और अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है, इसलिए ये लोग लास्ट रैंक पे भी है। सो इनसे बहुत ही कम उम्मीद रखना, क्योंकि कोई भी प्लेयर कुछ भी कर सकता है। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बताना भूल गया, तेलुगु टाइटंस की टीम सबसे ज्यादा सब्स्टिट्यूट का यूज करती है। मतलब अगर आप देखें टीम में, दूसरी टीमें तो सब्स्टिट्यूट का बहुत कम यूज करती है, बट ये वाली टीम में आप देखोगे कभी राइट कवर का सब्स्टिट्यूट आ गया, कभी राइट कॉर्नर का आ गया, इवन कभी लेफ्ट कॉर्नर का आ गया, तो कोई भी तब्दीली हो सकती है। रेडर्स भी खूब सब्स्टिट्यूट होते हैं। सो ये टीम में आप श्योर ही नहीं हो सकते कौन सा प्लेयर फुल मैच खेलेगा। एक पवन शेरावत को अगर आप छोड़ दें, पवन शेरावत और एक समटाइम्स अजीत पवार पूरा मैच खेल जाते हैं, बाकी पिछले मैच में तो इनको भी सब्स्टिट्यूट करा गया था। तो ये तो होता रहता है। मतलब मैं आपको बता दूं, इस टीम में ऑप्शंस बहुत ज्यादा हैं और परफॉर्म कोई नहीं कर रहा है, इसलिए सब्स्टिट्यूट बहुत ज्यादा होते हैं। सो इस टीम के प्लेयर्स को जब भी आप लेंगे, एक रिस्क ये रहेगा कि वो सब्स्टिट्यूट ना हो जाए, बस पवन शेरावत की लगभग गारंटी है, क्योंकि लीड रेडर है टीम के, तो ये तो पूरा मैच खेलेंगे, बाकी किसी प्लेयर की कोई गारंटी नहीं है। तो आप समझ गए, राइट से रेटिंग ज्यादा है गुजरात जायंट्स की, कौन से प्लेयर इंपॉर्टेंट है, संदीप धुल इंपॉर्टेंट है, हामिद नादिर और नितिन की इंपॉर्टेंस थोड़ी सी कम है क्योंकि उनका फॉर्म बहुत अच्छा नहीं है। हाँ, हामिद नादिर फिर भी नितिन से बेटर है और संदीप धुल सबसे बेटर है। ठीक है, अब आगे चलते हैं और आपके लिए टीम बना लेते हैं। टीम जब आपके लिए बनाएंगे तो चार टाइप से टीम बनाएंगे, जिसमें सबसे पहले हम मान के चलेंगे तेलुगु टाइटंस इस मैच में फेवरेट होगी, ये मान के चलेंगे, जो कि होने के चांस लगभग 5% है, बहुत ही कम चांस है, क्योंकि तेलुगु का परफॉर्मेंस बहुत घटिया आया, डिफेंस बिल्कुल वर्क नहीं कर रहा है। बट एनी हाउ, अगर थोड़ा बहुत भी चला डिफेंस तो मुश्किल से हम इनकी फिर भी तीन प्लेयर से ज्यादा तो लेंगे नहीं, क्योंकि तेलुगु पे हम भरोसा कर ही नहीं सकते। ठीक है, पवन शेरावत आपके कैप्टन होने चाहिए, जब भी तेलुगु टाइटन जीतेगी पवन शेरावत के दम पे जीतेगी, जो एक लास्ट मैच इन्होंने जीता था उस पर पवन की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी आई थी। कैप्टन करो सीधा, वाइस कैप्टन धुल को कर सकते हो, क्योंकि धुल टेक्निकली अगर आप देखें और अटेम्प्ट के मामले में देखें तो दोनों तरीके से अच्छे प्लेयर साबित हो रहे हैं, इन्हीं की साइड से रीडिंग होने वाली है, तो धुल के चांसेस परफॉर्म करने के रहेंगे। और एक अजीत पवार ले लेना, इससे ज्यादा प्लेयर्स मत लेना तेलुगु के, ज्यादा आप भरोसा नहीं कर सकते उन प्लेयर्स पे, फिर आप पूरे प्लेयर ले लेना गुजरात के, भले ही आप कैप्टन वाइस कैप्टन जो है वो तेलुगु से दे रहे, क्योंकि हम मान के चल रहे तेलुगु इस मैच को जीतेगी, बट फिर भी बाकी जो अच्छे प्लेयर्स हैं ना वो गुजरात में ही है, प्रतीक दाहिया, राकेश संगरोया, सोमवीर और फजल अल्तरा, चलिए बस ये प्लेयर आप गुजरात से ले लो, कैप्टन वाइस कैप्टन पवन और धुल को कर देना। ठीक है, ये तेलुगु फेवरेट हो गई, बस इतना ही कर सकते हैं, ज्यादा प्लेयर तेलुगु के नहीं ले सकते। गुजरात जायंट्स फेवरेट की टीम में क्या करना है, सेम टू सेम यही टीम उठा के रख देना, बस कैप्टन वाइस कैप्टन गुजरात के कर देना। क्या करोगे, फजल अल्तरा चलिए कैप्टन कर दोगे, वाइस कैप्टन प्रतीक दाहिया, या इसका आप रिवर्स भी कर सकते हो। ठीक है, कैप्टन वाइस कैप्टन को रिवर्स भी कर सकते हो गुजरात फेवरेट की टीम में। अब देखो यहां भी आप देख लो, गुजरात की मैंने चार ही प्लेयर लिए, पांच छेरी लिए, क्योंकि उनके भी कवर्स परफॉर्म नहीं कर रहे, उनके जो कवर्स है रवि कुमार और बालाजी डी वो परफॉर्म नहीं कर रहे, बालाजी डी के तो चांस भी कम है परफॉर्म करने के, रवि के पास एक थोड़ा सा चांस रहेगा, तो अगर ट्राई करना चाहो ग्रेड लीग्स वगैरह में तो रवि को कर सकते हो, बट फॉर्म अच्छा नहीं है। हाँ, मौके रहेंगे उनके पास, ठीक है, गुजरात की तरफ से अगर लेना चाहो, और बाकी वही प्लेयर है हमारे पास गुजरात जायंट्स के, ये तीन चार प्लेयर जो हमने टीम में पिक कर रखे, कैप्टन फजल अल्तरा चली, वाइस कैप्टन प्रतीक दाहिया, आप इसका अपोजिट कर सकते हैं, गुजरात फेवरेट टीम हो गई ये वाली। ठीक है, अब आते हैं अटेम्प्ट्स वाली टीम पे। अब अटेम्प्ट्स जिसके पास सबसे ज्यादा है उसमें एक तो फजल अल्तरा चली, क्योंकि इनके साइड से सबसे ज्यादा रेडिंग होने वाली है, और राइट साइड से रेडिंग होगी तो ये लेफ्ट कॉर्नर काफी अच्छा कर सकता है, और ये राइट कवर, ठीक है, ये भी अच्छा कर सकता है, सो इसको भी टीम में लिया, रवि कुमार जिनके बारे में आपको बता रहा था, मौका रहेगा, फॉर्म बहुत अच्छी नहीं है। फिर संदीप धुल को अपने टीम में पिक करा, ऑलराउंडर सेक्शन से हमने हामिद नादिर को लिया जो कॉर्नर है टीम के, एडवांस टैकल कर सकते हैं, पवन शेरावत, प्रतीक दाहिया, राकेश संगरोया, ये हमारी टीम है जिसमें हम देखेंगे किसके पास सबसे ज्यादा अटेम्प्ट्स है प्लेस को पकड़ने के, तो उसमें रवि कुमार का नंबर लग गया है, और यहाँ पे हामिद नादिर भी क्योंकि एडवांस टैकल कर सकते हैं राइट से आने वाले रेडर्स पे, तो ये राइट कॉर्नर है तो इनकी साइड से रेडिंग तो होगी नहीं, तो इनको दूसरी साइड जाना पड़ेगा, तो उस हिसाब से मैंने इनको टीम में ले लिया, अजीत को नहीं लिया क्योंकि अजीत के रिवर्स में रेडिंग है। ठीक है, तो ये अटेम्प्ट्स ओवर की टीम हो गई, और एक आखिरी टीम हमारी रहेगी कैसी, फॉर्म बेसिस पे, फॉर्म बेस पे जिसकी फॉर्म सबसे अच्छी है, पवन शेरावत, प्रतीक दाहिया, राकेश संगरोया, बहुत ही अच्छे फॉर्म में है तीनों के तीनों, इसके बाद अजीत पवार, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गए क्योंकि इनका फॉर्म भी अगर आप देखें तो मोस्ट ऑफ द मैच में अच्छा है, सिर्फ आखिरी दो मैच थोड़े से खराब है, बाकी अपनी टीम के लिए सबसे बढ़िया डिफेंस पॉइंट, सबसे ज्यादा डिफेंस पॉइंट अगर किसी प्लेयर ने दिए हैं तो इसने दिए हैं ए पवार। ठीक है, तो फॉर्म के बेस पे ये भी टीम में आ गया, फजल सोमवीर और संदीप धुल भी टीम में आ गए, तो ये मेरी फॉर्म वाली टीम है जिसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ प्लेयर्स का फॉर्म देख के टीम बनाई है, और इसमें कैप्टन मैंने प्रतीक दहिया कर दिया है, वाइस कैप्टन फजल अल्तरा चालू कर दिया, आप इसका अपोजिट भी कर सकते हो, जब आप इसका अपोजिट करोगे तो ये वही टीम बन जाएगी, कौन सी, गुजरात फेवरेट वाली। ठीक है, तो टीम वही है यहां वहां घूम रही है क्योंकि ज्यादा ऑप्शन हमारे पास है नहीं, गुजरात फेवरेट है, तेलुगु नॉन फेवरेट है, बस इतना मान के आपको टीम बनानी है, बाकी तो सब बढ़िया ही है। ठीक है,
तो ये चार टीम मैंने बनाई है। थोड़ा सा मैच वन साइडेड हो सकता है गुजरात के, क्योंकि अभी तक तो परफॉर्मेंस ऐसी देखने को मिला, अगर 1-2% का चांस है कि अगर जीत जाए तेलुगु टाइटन, बहुत ही मुश्किल चांस है, तो फर्स्ट टीम आपके लिए वर्क कर सकती है, बाकी ये तीन टीम आपके लिए काफी अच्छा कर सकती है। तो ये मेरी टीम रहने वाली इस मैच में, और इसमें मैं कुछ और अपडेट करूंगा तो टेलीग्राम पे बता दूंगा। इन चार टीमों की 8 और 16 टीम आपको ही बनानी है। कप्तानी वाइज कप्तानी चेंज करिए, रोटेट करिए, कुछ एक दो प्लेयर्स को अपनी टीम में एडजस्ट करिए, मतलब चेंज करिए। जैसे इस टीम की आप 2-3 टीम बना सकते हो कुछ प्लेयर्स को चेंज करके, जैसे अजीत की जगह पे हामिद नादिर ले लिए या फिर रवि कुमार को इस टीम में डाल लिया कुछ करके, तो थोड़े बहुत आपको जो है वो अटेम्प्ट्स करने पड़ेंगे। मतलब एक टीम से मल्टीपल टीम बनाएंगे तभी इन चार टीम की 8 और 16 टीम बनेंगी और आप अच्छा विन करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा अपना दिमाग लगाइए, बाकी मेरा लॉजिक है आपके साथ और आपको वीडियो वगैरह में सब कुछ बता ही दिया। अगर वीडियो थोड़ा भी पसंद आता है तो बस आपसे एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब चाहिए। तो अभी कर दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।